जाना है सुपौल। सुपौल आए कहाँ से अभी? हम तो आ रहे हैं मुजराड़ से, नोखा थाना। कितना बजे रात में निकलना है आपको? हाँ उस तरह से भाई देख सकते हैं, एकदम लग्जरी आपको लगेगी, एक एयरप्लेन से जा रहे हैं, सुविधा हर तरह का है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं पटना का सबसे बड़ा बस स्टैंड मीठापुर बस स्टैंड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीठापुर बस स्टैंड के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आप वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई हॉर्न आप लोग थोड़ा सुन, क्या कह सकते हैं उसमें आवाज़ में थोड़ा सुन आप लोग कष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बस की हॉर्न बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देगी, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर दिशा में आपको यहाँ से बस मिल जाएगी हर जगह के लिए। तो आपको बताता हूँ, पटना से टाटा, पटना से हजारीबाग, पटना से दिल्ली, हर जगह की, पटना से बनारस के लिए भी बस मिल जाएगी। तो हम लोग चलते हैं, प्राइस रेट पूछते हैं कि कहाँ पर कितना प्राइस है। अरे यहाँ पे बलराम कृष्ण है जो पटना से कटिहार जाती है। पटना से कटिहार का क्या प्राइस भैया? 400 रुपया। कितना बजे खुलती है बस? 8 बजे। 8 बजे जी। तो चलिए हम लोग और भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बहुत जगह की आपको बस मिल जाएगी, रांची, दिल्ली, बनारस, हर जगह दिशा में। गोड्डा क्या प्राइस है अंकल? गोड्डा कितना प्राइस है? 500 रुपये भाड़ा। कितना बजे बस खुलती है ये? 7:30 बजे। 500 रुपये भाड़ा है पटना से गोड्डा, और ये 7:30 बजे खुलती है आसपास में। एसी भी है, और आगे चलते हैं हम लोग आपको दिखाते हैं, बहुत सारे ट्रेवल्स, विवेक ट्रेवल्स है, एसी, नॉन एसी, स्लीपर्स, हर तरह के बोगी है पटना से सिलगुड़ी, पूर्णिमा, दलकोमा। और क्या प्राइस है आपको बताते हैं विवेक ट्रेवल्स भैया, क्या प्राइस है यहाँ सिलगुड़ी के लिए? 600 सीट का और 750 स्लीपर का ना। कितना बजे खुलती है बस? 5:30 बजे। वैशाली ट्रेवल पटना से बनारस। कितना प्राइस भैया बनारस के लिए? 500-600। 500 क्या जनरल सीट? एसी गाड़ी, एसी। और 600 स्लीपर? स्लीपर। कितना बजे बस खुलती है ये? 8:30। कृष्णा रथ है जो आपको पटना से टाटा जाएगी। ये हो गया मोहुली ट्रेवल्स पटना से रांची। इस बस के हम अंदर चलते हैं रांची के लिए। रांची का क्या प्राइस है अंकल? एसी या नॉन एसी? कितना दोनों को बताइए ना। नॉन एसी का वही 350 रुपये है और एसी का आपका 400। और ये कितना बजे बस खुलती है? 9 बजे। और चलिए हमको बस के अंदर दिखाते हैं कितना सुविधा है आपको। इस बस स्टैंड में हर तरह का बस आपको मिल जाएगा, जिस तरह का आपको सुविधा चाहिए उस तरह से। भाई देख सकते हैं एकदम लग्जरी आपको लगेगी, एक एयरप्लेन से जा रहे हैं, सुविधा हर तरह का है। भाई पटना के मौसम की बात करें भाई, तो अभी फिलहाल मार्च ही आया और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। पटना से टाटा, टाटा क्या प्राइस है अंकल? टाटा क्या प्राइस है? 700 सीट का। और स्लीपर का? 750। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यहाँ से 7:30 में खुल जाती है ना। मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे हर दिशा में आपको बस मिल जाएगी, दिल्ली जाना हो, बनारस जाना हो, हर स्टेट में आपको बस मिल जाएगी यहाँ से। क्या प्राइस है अंकल? क्या प्राइस है बोलिए ना। 650 रुपये। कितना बजे बस खुलती है ये? 7 बजे। आपको बस हम सामने से एक बार दिखा देते हैं, अगर पटना से सिलगुड़ी जाना हो तो जा सकते हैं इस बस का, और बस का भी कंडीशन दिखाते हैं भाई। मतलब यहाँ पे हर तरह का आपको बस मिल जाएगी, एक से एक लग्जरी बस, एसी, नॉन एसी। भाई देख सकते हैं आपको लगेगा कि एक फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। और ये देखिए बस का कंडीशन बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा भाई। फर्स्ट टाइम ऐसा बस देख रहे हैं जो पीछे से भी बैकवर्ड से खुलता है।
तो चलिए अब लोगों से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ के लिए यहाँ पे यात्री अभी आए हुए हैं और कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है भैया? पूर्णिया जाना है। पूर्णिया जाना है भैया? कितना बजे निकलना है यहाँ से? कहाँ से आए आप? मैं पटना एग्जाम देने गया था, दिल्ली गया था। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली से पटना आ रहा है, पटना से पूर्णिया निकलेगा। चलिए थैंक यू भैया। भागलपुर तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।